श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में कह रहे हैं साफ साफ है, जिसका पूजा करोगे उसके साथ रहना पड़ेगा जिंदा में भी, मर जाने के बाद उन्हीं के बंधन में रहना पड़ेगा। इतना भी नहीं था जी, एक बार हनुमान जी की पूजा करो सीधे डायरेक्ट जब भी करो ठीक। गुरु जी इनका कब, ये मस्तिष्क इसका पूरा डेवलप नहीं हुआ था और दूसरी गंदगी का होल्ड है उसके ब्रेन में, जैसे ही ब्रेन से गंदगी हटेगी ये सब बोलेगा धीरे धीरे ठीक है। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा? गुरु जी हमारा बच्चा बहुत नहीं बोल पा रहा। बच्चा बोल नहीं पाता? नहीं गुरु जी, बड़ी मेहनत करें, हर जगह लेके जाते हैं, वहाँ से उदास होके चले आते हैं। ये पहले भी लाए थे क्या तुम इसको? नहीं पहली बार आए। पहली बार आया? इसको इधर करो, इधर करो अपने इधर, तुम उधर खड़े हो माइक पे। हाँ माइक पे। हाँ बोलेगा। जहाँ गुरु जी जाते हैं वहाँ स्कूल में भी डांट खाते हैं कि बच्चा तुम्हारा लार चुहा था, बोलता नहीं है। ये मस्तिष्क इसका पूरा डेवलप नहीं हुआ था और दूसरी गंदगी का होल्ड है उसके ब्रेन में, जैसे ही ब्रेन से गंदगी हटेगी ये सब बोलेगा धीरे धीरे ठीक है जी। धीरे धीरे बोलेगा ठीक है। इसका जो कौवा है ना अंदर उलट जाता है, उससे नहीं बोल पाता, लेकिन आगे बोलेगा क्योंकि सुनना और समझ भी नहीं पाता ठीक से बात को, ये भी गड़बड़ है। केवल बोलना ही नहीं, सुनना समझना भी गड़बड़ है। जो तमाम गंदगी तमाम जगह गए हो तुम, है ना, प्रेतराज इतराज सरकार वो सब लदे हुए हैं, सब लदे हैं प्रेतराज सरकार सरकार सब जहाँ जहाँ गए हो सब लदे हैं। जहाँ से अब यहाँ आने का तैयारी कर रहे थे इतना सर दर्द कर रहा था, यहाँ बैठे बैठे पूरा सर दर्द कर रहा था कि वहाँ गए तो हजम हो गए सब मर जाएंगे, सब लदे हैं तुम्हारे ऊपर सब लदे हैं कहीं भयंकर वाले। मम्मी के पैर में यहाँ से पूरा दर्द, सब लदे बेटा सब भरे हुए हैं, सब जहाँ बांध दिया जाए इसको, मोटे को बांधा जाए कसके खींच के ला जाए प्रेतराज को, शिव उसका अंश बांध दिया जाए, ले जाया जाए गड़ा लोग ले जाए इसको, हाँ दीवान को भी ले जाए, शिव जितने बदमाश सब ले जाए, इनकी खूब कुटाई हो, नरक में उल्टा लटका के कुटाई की जाए, कठोर दंड दिया जाए, डाल दिया जाए ज्वालामुखी के लावे में, सब तपाया जाए, लाता है ना आपको किसी तरह खींचते ना इसमें जहाँ जहाँ बैलेंस क्या आनंद है, झूलो झूलो देखो जैसे वहाँ झूलो दे दे। ओम इससे उच्चाटन बैलेंस बैलेंस चार्टन तीन बार बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बना दिया है? अब हल्के हुए जी गुरु जी? हैं जी गुरु जी, अब हल्के हुए, इतना बोझा ला देते तू प्रेतराज सरकार जी गुरु जी, तो आप पतले हो जाओगे, अब तुम तुम्हारा फैट घट जाएगा छट जाएगा, सब वही गंदगी मोटा करके रखे, बैठ भी नहीं पा रहे हैं इतना दर्द करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा, लेकिन अब अच्छे हो, बहुत हल्के हो गए, चलो फिर अभी बहुत हल्के, अभी तुमने कुछ नहीं किया उसके बाद तुम हल्के हो गए, पैर सब घुटना उठना, अब बैठे जमीन में अभी फर्स्ट क्लास बैठ पाओगे, खड़े हो बच्चों की तरह खड़े हो जाओ, ये हो गए, हो रहा कोई कष्ट? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में कह रहे हैं साफ साफ है, जिसका पूजा करोगे उसी के साथ रहना पड़ेगा जिंदा में भी, और मर जाने के बाद उन्हीं के बंधन में रहना पड़ेगा। इतना भी नहीं समझ रहे लोग, प्रेत पूजवा रहे। गुरु जी एक बार हनुमान जी की पूजा करो सीधे डायरेक्ट जब भी करो ठीक। गुरु जी इनका कब तक बोलेंगे? एक दिवसीय करो फटाफट, तो सब गंदगी जाए पहले। अच्छा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा समय लगेगा।